अंडाकार हाथ का मतलब पूरा ये शेप जो है ना स्क्वायर में आएगा इस तरीके से। ऐसा ठीक है। उंगलियों की औसत ऊंचाइयां होती है, यानी कि ऑलमोस्ट जो उंगलियां होती हैं सिमिलर टाइप होती हैं, हालांकि इसमें इस हाथ में नहीं है। उंगलियां आप लोग आपको दिखेंगी, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर एक जैसा होगा और लिटिल फिंगर भी लगभग मीडियम साइज वाला ही होगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में से कुछ प्रतिशत इस प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति परंपरावादी, कठोर परिश्रमी, चुस्त दुरुस्त और पक्का निर्णय लेने वाले होते हैं। मतलब वर्गाकार वाला हाथ जो होता है ना, कह सकते हैं कि ऐसे लोग बहुत बैलेंस प्रकृति के होते हैं। इनके साथ एक ही चीज आती है वर्गाकार हाथ में, जो बीमारी होती है सबसे ज्यादा उसमें, क्योंकि वर्गाकार हाथ ना इसको भी इंडिकेट करता है, किसको? पृथ्वी तत्व को। ठीक है, मिट्टी पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करता है। तो पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करने की वजह से जो कठोरता, हार्डनेस होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पर कहा गया उदाहरण में, ऐसे हाथ बुध और गुरु पर्वत की विशेषताएं अधिक लिए हुए होती हैं। इन लोगों में भावनाओं की अपेक्षा विचार और तर्क अधिक प्रबल होता है। आपको दिखेंगे कि वर्गाकार हाथ में बृहस्पति का पर्वत और बुध का पर्वत, ये दोनों ज्यादा डेवलप दिखेंगे। ठीक है, बृहस्पति का पर्वत और बुध का पर्वत ज्यादा डेवलप दिखेंगे, इसलिए ये लोग थोड़े लॉजिकल होते हैं। मैं पूरी तरह से ऐसा नहीं कहूंगा कि वो इमोशनल नहीं होते या जिम्मेदारियां नहीं लेते, लेकिन थोड़ा ज्यादा डाउन टू अर्थ। जो मैंने कहा पृथ्वी तत्व वाले लोग थोड़े प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं, इमोशंस कम होता है उनके लिए हाथ में, उनके नेचर में, उनके स्वभाव में इमोशंस कम होते हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं। वर्गाकार वाले हाथ में गुरु पर्वत अधिक बली हो तो अपने बाल, उनके बाल जल्दी पकते हैं। परिवार के किसी 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 व्यक्ति की आंखों में दोष भी होता है। जो बृहस्पति पर्वत कर बलिष्ठ है, तो बाल पकने का अर्थ होता है कि इनको, अगर बृहस्पति के साथ शनि को भी देखना होता, बाल पकना सिर्फ अकेला बृहस्पति नहीं बताता, किसी के देखेगा हाथ में अगर बृहस्पति उन्नत है लेकिन शनि में किसी भी तरह का क्रॉस बन गया है, शनि जरूर से ज्यादा दब गया है अंदर, और भाग्य रेखा या मस्तिष्क रेखा में किसी भी तरह की त्रुटि, मतलब क्रॉस का बनना या खंडित भाग्य रेखा है, तो ऐसे लोगों के बाल जल्दी पकेंगे। उसका सबसे बेसिक रीजन ये होता है, बाल पकने के कारण। कौन है भाई? बाल पकने का सबसे बेसिक रीजन ये होता है कि लीवर का इशू होता है। खाना पीना जो है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऑयली फूड या बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, इसको कहते हैं कि रिच खाना, फ्राइड तला हुआ, लीवर के प्रॉब्लम की वजह से, हाजमा ठीक नहीं होने की वजह से बाल पकने लग जाते हैं उम्र से पहले। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ठीक नीचे हृदय रेखा, अच्छा यहाँ पर जो है सूर्य पर्वत के ठीक नीचे हृदय रेखा क्षतिग्रस्त हो तो परिवार में किसी व्यक्ति के अंधा होने का अंदेशा होता है। ऐसे व्यक्ति बबशिर, गुर्दे के दोष तथा पेड़ू के इर्द गिर्द अन्य प्रकार के रोगों से ग्रस्त होता है। ऐसा विशेषकर होता है मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत के ठीक नीचे कुछ झुकी हुई हो, किसी अन्य प्रकार के से दोष युक्त हो। जो मैंने अभी आपको कहा कि हृदय, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा किसी भी तरह की बीमारी को बहुत अच्छे से इंडिकेट करता है, हालांकि जीवन रेखा भी इंडिकेट करता है, लेकिन अगर शनि पर्वत के नीचे किसी भी तरह से हृदय रेखा खंडित है या नीचे की ओर ऐसे झुकी है, या मस्तिष्क रेखा में कहीं से दोष आ गया है, कोई कट आ गया है या खंडित अवस्था में है, तो ऐसे लोगों को बबसिर, फेस्टुला, गुर्दे से रिलेटेड इशू, मेल्स में प्रोस्टेट रिलेटेड इशू और फीमेल्स में ओवरी एंड यूट्रस रिलेटेड इशू देता है ये। ठीक है, मेनली जो है ना वर्गाकार हाथ है, वर्गाकार हाथ में ये समझने वाली बात है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्गाकार हाथ वो पृथ्वी तत्व होता है, स्क्वायर स्क्वायरिश। पृथ्वी तत्व का मतलब ही होता है कि कॉन्स्टिपेशन ऐसे व्यक्ति को होना ही है, पेट साफ ना होना सबसे पहला कारण। दूसरा, उसके बाद जब एसिडिटी वगैरह होता है, फिर धीरे धीरे बॉडी के अंदर वात कफ और पित्त का डिसबैलेंस हो जाता है। जब वात कफ और पित्त का
चरम मतलब सबसे मतलब बेकार अवस्था में चला जाता है, ये तीनों के तीनों पदार्थ का डिसबैलेंस इतना ही बेकार हो जाता है, तब कन बॉडी में जो बीमारी होती है वो है कैंसर या पार्किंसन। ये ऐसे दो डिजीज हैं जो बॉडी के अंदर वात कफ और पित्त का गंदे तरीके से डिस्टर्ब होने की वजह से होता है।